बाद उनका और पुनः निवेदन है, जोरदार तालियां आकर्षक आतिशबाजी के लिए, भव्य नजारा जो सार्वजनिक दशहरा उत्सव समिति के प्रयासों से यहाँ पर नजर आ रहा है, जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें समिति का। अत्याचारी रावण की अलंका धूमू पर जल्द हजारों हजार भक्त दशहरा मैदान पहुंचे हैं। वही सबकी व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन बड़ी उत्तेजी से अपना कार्य कर रहा है। सर कितने वर्षों से यहाँ पर विजयदशमी महापर्व मनाया जा रहा है? सन 1957 उस समय रावण हमारे घरों में मनाया जाता था जी। सभी समाज के जन आकर इकट्ठा होकर रावण को मनाते थे, फिर उसको यहाँ पर लाकर रावण दहन की दशहरा को मनाया जाता। धन्यवाद। एक समय था कि अक्का सेठ यहाँ का दशहरा उत्सव का आयोजन करते थे, समाज को यही संदेश है, जाति पाति की भावनाओं को छोड़कर केवल मतदान पे ध्यान दें, जितना अधिक मतदान होगा उतना देश का फायदा होगा, मतदाता जागरूक है अपने देश का, तो ये सभी को जाति पाति को छोड़कर जाति पाति में ना पड़कर मतदान पे ध्यान दें, ना केवल अंगल बातों में विश्वास करें। आज का जो विजयदशमी महापर्व आपके द्वारा मनाया जा रहा है उसमें विशेष क्या है? विशेष है सर, 71 फीट का रावण दहन है, शिवपुरी से आई हुई अपने बैयाज खान की जम्मू भाई की शिवपुरी की ये आतिशबाजी है जो जमीन पर आप देख रहे हैं जी, और देवास से लाई हुई आसमानी आतिशबाजी का बहुत शानदार प्रदर्शन है जी। सर कितनी संख्या में अनुमान है? अनुमानित आप संख्या मानिए आप 45-50 हजार की संख्या दशहरे को देखने आती है। तो मतदान के लिए कुछ विशेष ऐसा कुछ बताया है, बता रहा है यहाँ पे कि बस यही बताना चाहता हूँ कि जाति पाति की बातों को छोड़कर तो मतदान पे ध्यान दें। धन्यवाद। आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आज के नगर में? हमेशा बुराई पे अच्छाई का संदेश देना चाहते हैं। धन्यवाद।